मैं राज बदलता हूँ। एक के वास्ते खाली करता रास्ते पूरे जग में एक ही शहर हमी जाम जाती हो पूरे जग में एक ही शहर हमी जाम जाती हो। देश के नेता कैसी हो धन कुमारी मायावती। देश के नेता कैसी हो धन कुमारी मायावती। युवाओं का नेता कैसी हो कैसा हो युवाओं का नेता कैसा हो। धन्यवाद साथियों। जय भीम। अरे वाह, हमें लगा हम बोलेंगे कि सुनाई नहीं दिया, परंतु अभी ऐसा बोलिए कि दिल्ली पे तख्त पे बैठे लोगों को पता चल जाए कि अपना हाथी जाग रहा है। बोलिए जय भीम। जय भीम। मजा आ गया। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और नारायण गुरु जी को मेरा नमन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय श्री कांशीराम जी को मेरा नमन, जिनके विचारों में मेरे और भारत के करोड़ों शोषित वंचित और पिछड़ों के प्रेरणा सूत्र हैं। मेरे आदर्श मेरी गुरु आदरणीय मायावती जी को तहे दिल से नमन करता हूँ। जिन्होंने बीएसपी और समाज के हित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, श्री राम जी गौतम एवं राज्यसभा सांसद और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर और श्री लक्ष्मण सिंह हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे सीपी सिंह जी स्टेट कोऑर्डिनेटर दिल्ली के, श्री सतीश चौधरी जी स्टेट कोऑर्डिनेटर का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के मजबूत करने के लिए कुछ बात रखने आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात रखूँ, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ अपनी पार्टी के बारे में। दिल्ली में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में हम जोड़ सकते हैं, आज इस पर आपकी सबकी राय लेना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्री माननीय कांशीराम जी की सोच से उपेक्षित वर्गों के साथ साथ सर्व समाज में गरीब लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि मैंने संविधान के जरिए कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन इन अधिकारों को पूरी तरीके से और पूरा लाभ लेने के लिए आप सबको सत्ता खुद अपने हाथ में लेनी होगी। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीते जी वह उनके देहांत के बाद भी तथा माननीय श्री काशीराम जी के जीते जी वह उनके देहांत के बाद भी केवल यूपी को छोड़ के देश के अन्य राज्यों में अभी तक पार्टी को अभी कुछ खास आप सबको पता ही है कुछ खास तरक्की नहीं मिल पाई है। जबकि इसके लिए खासकर हमारे इन दोनों महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों को सत्ता में लाने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। दूसरा माइक मिलेगा क्या?
अपने को आदत नहीं है ऐसा खड़े होके स्पीच देने की। अब मैं ये पूरा पर्चा पढ़ता और ये बोलता कि कितना संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब आप लोग जानते हैं करना पड़ेगा। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा नेता हैं, जितने भी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, इन सबको अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत समय हो गया कि दिल्ली से हम बहुत दूर रह गए। कितने सालों से दिल्ली में हमारी पार्टी काम कर रही है, कहीं 20 साल हो गए, परंतु हमारा यहाँ ना आज एक MLA है ना MLC है। अब हमें सब युवाओं को अपने बड़ों के साथ मिलकर यहाँ अपना आगे हाथ बढ़ाना होगा। क्या आप मानते हैं ये बात को? भैया हम तो संघर्ष करने को तैयार हैं। अब आप सबको फेसबुक ट्विटर छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कितने लोगों को देख रहा हूँ, जो बम्बई से आए हैं, जो लखनऊ से आए हैं, जो कानपुर से आए हैं, आप लोगों को देख के ज़्यादा दिल खुश होता है। अब हमारे दिल्ली में जितने भी युवा लड़के हैं, बहने हैं, इन सबको सड़क पे उतारना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? बस इसी बात को मैं कहने आया था कि अब हम सब मिलके सड़क पे उतरेंगे, जो हम पिछले 10 साल से नहीं कर पाए अब अगले पूरे 4 साल में करके दिखाएंगे। आप सब युवा लोगों को अब मेरे साथ जमीन पे उतरना पड़ेगा और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दिल्ली में हम जैसे लोगों का क्या महत्व है। क्या आप लोग करेंगे मेरा साथ? आप दिल्ली की तख्त बदलेंगे? बस यही सुनने आया था। अब तैयारी कर लीजिए, अगले 4 साल बीच पूरी जी जान से हमें लगाना पड़ेगा समय, और किसी को नहीं छोड़ना, कोई सीट नहीं छूटेगी। आप सबके साथ लग के अब हम मेहनत करेंगे, कोई नहीं छूटेगा पीछे, ठीक है? ओहो बड़ा दुख हुआ सुन के, ये ठीक है। बस अब ऐसा जय भीम बोल दो कि सामने वाले की कुर्सी हिल जाए, और अब बता दो कि हम आ रहे हैं। जय भीम, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।